थायराइड को जड़ से खत्म करने के घरेलू उपाय। मोबाइल व ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब के बेल आइकॉन को प्रेस करें। थायराइड आजकल आम बीमारी हो गई है। ये रोग हर दूसरे आदमी को हो रहा है। थायराइड गले में स्थित एक ग्रंथि का नाम है। यह ग्रंथि गले के आगे के हिस्से में मौजूद होती है। यह हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी ग्रंथि में से एक है। जो भोजन हम खाते हैं, यह उसे ऊर्जा में बदलने का काम करती है। थायराइड ग्रंथि को शरीर का सेंट्रल कंट्रोलर भी माना जाता है। जब यह थायराइड ग्रंथि जरूरत से ज्यादा या कम थायराइड आयोडीन बनाने लगती है, तब थायराइड में खराबी आ जाती है। जब कोई व्यक्ति थायराइड नामक रोग से जूझता है, तो थायराइड ग्रंथि के ठीक से काम न करने से रक्त में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्तर पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव को दो श्रेणी, हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में रखा जाता है। हम आपको थायराइड से बचने के कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं। विटामिन डी। विटामिन डी की कमी कई बीमारियों से जुड़ी हुई है, जिनमें यह थायराइड रोग भी शामिल है। इसको दूर करने के लिए जल्दी सूरज की पहली किरणों को अपने शरीर में शामिल करें। इन किरणों को रोजाना 15 मिनट तक अवश्य करें। कुछ समय बाद आप थायराइड में राहत महसूस करेंगे। आयुर्वेदिक उपचार। थायराइड का आयुर्वेदिक इलाज। थायरोनिल कैप्सूल थायराइड रोग का आयुर्वेदिक उपचार है। थायरोनिल कैप्सूल प्राकृतिक थायराइड पूरक हैं, जो उचित मात्रा में थायराइड हार्मोन की रिहाई सुनिश्चित करने और समस्या को नियंत्रित करने के लिए इस ग्रंथि के कामकाज में सुधार करते हैं। थायरोनिल कैप्सूल में अत्यधिक लाभकारी जड़ी बूटियां होती हैं, जो थायराइड की समस्या से मुक्त करती है। थायरोनिल कैप्सूल हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए काफी फायदेमंद आयुर्वेदिक उपचार हैं। विटामिन बी। विटामिन बी की खुराक लेने से आपके थायराइड स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। थायराइड की कमी के कारण जिन लोगों को थकावट महसूस होती है, उनके लिए विटामिन बी बहुत ही अच्छा है। आप निम्न आहार को दूध, पनीर, अंडे, मटर, तिल के बीज, मुलेठी को अपने खाने में जोड़ सकते हैं। इनका सेवन करने से शरीर की थकावट दूर होती है। चीनी मुक्त आहार। चीनी खाद्य पदार्थ आपके शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं। इसका ज्यादा उपयोग करने से आपकी थायराइड की बीमारी और भी बढ़ सकती है। अपने आहार में चीनी को हटाने से आपको आपकी त्वचा और तनाव के स्तर में मदद मिल सकती है। चीनी मुक्त आहार अपनाने से आपके थायराइड स्वास्थ्य में आपको इसका बहुत ही लाभ मिलता है। साबुत अनाज। साबुत अनाज से बने पदार्थ जैसे जौ, गेहूं, बाजरा, मक्का आदि का सेवन करने से थायराइड की समस्या नहीं होती है, क्योंकि साबुत अनाज में फाइबर, प्रोटीन्स और विटामिन आदि बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि थायराइड को बढ़ने से रोकते हैं। काली मिर्च। अगर आप थायराइड ठीक करना चाहते हैं, तो काली मिर्च का सेवन जल्दी ही शुरू कर दें। इसका प्रयोग आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप चाय में थोड़ी सी काली मिर्च और सौंठ डालकर पिए, बहुत लाभ मिलेगा। आप इसे अदरक के रस और गर्म पानी में डालकर भी पी सकते हैं। ऐसा करने से आपकी थायराइड कंट्रोल में आ जाएगी। पत्ता गोभी से। पत्ता गोभी सबसे उपयोगी खाद्य पदार्थों में से एक है, जो हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है।
गोभी में गोइट्रोजेंस की मात्रा बहुत अधिक होती है जो थायराइड हार्मोन के उत्पादन को कम करने में मदद करता है। अच्छे परिणाम के लिए भुना हुआ पत्ता गोभी खाएं। बेरी। बेरी विटामिन और विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से समृद्ध होती हैं, जो कि थायराइड ग्रंथि की सूजन को कम करने में मदद करती है। आप विभिन्न प्रकार के बेरी जैसे ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी आदि का सेवन कर सकते हैं। आंवला। आंवला हाइपरथायरॉयडिज्म सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज करता है। आंवला थायराइड हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। गेहूं। गेहूं प्रकृति की अनमोल देन है, इसमें अनेक औषधीय और रोग निवारक गुण पाए जाते हैं। गेहूं रक्त व रक्त संचार संबंधी रोगों, रक्त की कमी, उच्च रक्तचाप, सर्दी, अस्थमा, पाचन संबंधी रोग और थायराइड ग्रंथि के रोग में काम आता है। अखरोट। अखरोट को भी थायराइड का सफाया करने के लिए काफी फायदेमंद कहा जाता है। साथ ही सीफूड के अलावा काले अखरोट को आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। आयोडीन एक आवश्यक पोषक तत्व है जो थायराइड ग्रंथि के स्वास्थ्य और कामकाज को ठीक रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अलसी। थायराइड रोग से निजात पाने के लिए अलसी रामबाण नुस्खा है। अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। यह एसिड थायराइड ग्रंथि के सही तरीके से काम करने में आवश्यक भूमिका निभाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित लोगों को अलसी और अलसी के तेल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मशरूम। थायराइड के मरीजों के लिए मशरूम अच्छे आहारों में से एक है। इसमें सेलेनियम की मात्रा अधिक होती है जो थायराइड को कंट्रोल करने का काम करता है। अंडे। जो लोग थायराइड नामक बीमारी के शिकार हैं, उन्हें अपनी डाइट में अंडे जरूर शामिल करने चाहिए। इसमें सेलेनियम पाया जाता है जो मरीजों को काफी आराम पहुंचाता है। साथ ही अंडों से कमजोरी भी दूर होती है। नट्स। थायराइड के मरीजों को नट्स अपनी डाइट में खास तौर से शामिल करने चाहिए। नट्स थायराइड से होने वाले हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत कम करता है। बादाम और अखरोट इस बीमारी के लिए अच्छे आहार हैं। मेथी। मेथी हमें कई तरह के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाती है। थायराइड बीमारी के लिए मेथी अच्छा आहार है। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करने में सहायक होता है। दही। थायराइड के रोगियों के लिए दही सबसे बेहतर आहार माना जाता है। दही खाने से शरीर में इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, जिससे थायराइड कंट्रोल में रहता है और काफी हद तक सही भी होता है। लौकी। लौकी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। थायराइड की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लौकी का जूस बहुत ही असरदार है। हर रोज आप सुबह उठकर खाली पेट एक ग्लास लौकी का जूस पिए और आधा घंटा कुछ ना खाए। ऐसा करने से जल्दी ही थायराइड की बीमारी ठीक हो जाएगी। पानी। शरीर के लिए पानी का सेवन बहुत ही जरूरी होता है। हर रोज 10 से 12 ग्लास पानी पिए, इससे बॉडी के वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलने में मदद मिलेगी और थायराइड फंक्शन बेहतर होगा। रात को तांबे के बर्तन में पानी भर के रखते और सुबह दिन चढ़ने से पहले वह पानी पिए। ज्यादा पानी पीने से थायराइड की समस्या दूर होती है। थायरोनिल कैप्सूल की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट आयुष remedies.in पर जाएं।
क्या आप भी किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान हैं? यदि हाँ तो निशुल्क आयुर्वेदिक परामर्श हेतु अथवा अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए remediesayush@gmail.com पर ईमेल करें या अपना प्रश्न यहाँ कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ें और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकन को प्रेस करें।